लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सातवां समन जारी कर हाजिर होने को कहा था, जिस पर केजरीवाल ने ईडी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या कहा है केजरीवाल ने ईडी के समन पर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के सातवें समन पर कहा कि क्या ईडी या केंद्र सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और उनके आदेश का इंतजार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट हमसे कहती है कि जाओ तो हम जाएंगे। केंद्र सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि गठबंधन तोड़ दो, हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। हाल में ही दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज सहित कई आप नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि कई आप नेताओं को केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर सीबीआई और ईडी जैसी जाँच एजेंसियों द्वारा संभावित कार्रवाई को लेकर संदेश और धमकियां मिली है। वहीं ईडी के सातवें समन पर आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए कहा था कि सीएम केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। पार्टी का कहना है कि अभी तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि हम पर बार बार इंडिया गठबंधन छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। बीते सप्ताह अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नई आबकारी नीति मामले में सातवां समन भेजकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।